ये थी हमारी कल की कैंप लोकेशन। कल रात को आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया। ये देखो ऐसी खतरनाक पहाड़ी से आती है कार्तिक स्वामी की जल कलश यात्रा। तो काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आई है तो कार्तिक स्वामी धाम में यहाँ पर खच्चरों के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। तो आपको पूरे रास्ते भर में ये चीज देखने को मिलेगी। पेड़ों पे आपको चुनरी, बिंदी, चूड़ी सब। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 4:30 हो रहे हैं और आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी तो हमने घने जंगल के बीच में खूबसूरत सी कैंपिंग की थी और कल रात को हम मतलब सो नहीं पाए। हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस महीने इतना ज़्यादा ठंडा होगा कि हमारी नींद ही गायब होने वाली है। और मैं एक छोटा सा कम्बल लेके आया था कि मुझे थोड़ा लग रहा था कि क्या पता हो जाए कभी ठंडा तो मैं उसको ओढ़ के सो जाऊंगा, लेकिन कल रात को वो चोरी हो गया। हमारे भाई में लोगों ने वो निकाल दिया और फिर वापस ही नहीं दिया तो रात भर ठंड की वजह से नींद नहीं आ पाई। और अभी सुबह सुबह बाहर पक्षियों की चहचहाने की हमने आवाज़ सुनी और उसको सुनने के लिए हम बाहर निकले तो बाहर और भी ज़्यादा ठंडा हो रहा था और ठंड से बचने के लिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आग जला दी है और जो कम्बल मैं लेके आया था चोरी कर लिया। अब चोरी किसने किया वो तो उसको ही पता होगा। और यहाँ पर भाई साहब उसको क्या पता होगा, पहली बार तो वो चादर है, दूसरी बार वो पूरे रास्ते में मैं लेके आया हूँ, तू नहीं लेके आया है, गप मार रहे हैं मेरे बैग में था मैं लेके आया था। और सुबह सुबह ज़्यादा कुछ सामान उपलब्ध था नहीं, बस चाय पत्ती थी और थोड़ा चीनी थी तो दोनों मिक्स करके हम यहाँ पर पीने वाले हैं ब्लैक टी। और जी रात भर मज़ा आया। मज़ा तो आया आया बहुत मज़ा तो इनको आया यार। तो रात में ठंडा तो बहुत हुआ लेकिन ठंड के साथ साथ ना जो यहाँ पर मैंने आपको रात को दिखाए थे कुछ बैल आए थे तो बैलों ने हमारे टेंट के आसपास ना बहुत हलचल मचाई, मतलब टेंट को कभी वो पीछे से हिला रहे थे कभी आगे से हिला रहे थे तो डर भी लग रहा था हम तो बाहर आए नहीं। हाँ ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी लेकिन हमने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। पर चलो जो हो गया सब बीत गया अच्छे से। अब आज हमको जाना है यहाँ ऊपर जहाँ पर आपको लाइटें नज़र आ रही होगी तो वहाँ पर विराजमान है हमारे कार्तिकेय महाराज भोलेनाथ के बड़े पुत्र। तो वहाँ पर आज जल कलश यात्रा है, मैंने आपको बताया था ना वहाँ पर एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है तो आज जल यात्रा है और कल समापन हो जाएगा महायज्ञ का। तो जल यात्रा को देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए हम वहाँ पर जाएंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि सुबह सुबह तो अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सुबह की पहली चाय हमारी बनके तैयार हो चुकी है और ये चाय हमारे यहाँ बोलते हैं इसको लाल पानी, तो लाल पानी का आनंद लेते हैं और इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो कल रात हम जिनसे डरे थे वो यही बैल थे, यहाँ पर ये तीन बैल घूम रहे हैं और बैल ये वाला देखो कितना बड़ा है और इसके गले में जो घंटी टंग 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 कर रही है ना तो इसी से हम पहली बार डरे थे। अचानक से घंटी की आवाज़ हमने सुनी तो हमने सोचा ये क्या हो गया यहाँ पर, फिर बाहर आए तो इनकी आंखें चमक रही थी और ज़्यादा डर गए थे। ले 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 ए भाई मारना मत प्लीज़। हेलो 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 तो ये पूरी रात हमारे ही साथ इधर उधर घूम रहे थे हमारे टेंट के अगल बगल और अभी भी जैसे ही इन्होंने हमारी हलचल सुनी तो ये यहाँ पर आ गए। ये थी हमारी कल की कैंप लोकेशन। कल रात को आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया, पूरा अंधेरा अंधेरा था, अंधेरे में हम यहाँ पर पहुँचे थे। बस आपको मैंने ये घाटी दिखाई थी चमचमाती हुई, काफ़ी सारी लाइटें चमक रही थी लेकिन अभी देखिए लाइटें सब ऑफ हो गई है और वहाँ इतनी ज़्यादा धुंध है कि गाँव भी सही से देखने को नहीं मिल रहे हैं। और हमारा जो गाँव है वो यहाँ पर है, आपको घर नज़र आ रहे होंगे ना, तो यहाँ पर है हमारा गाँव खम्बोली। और भाई साहब गए थे अभी पानी के लिए तो हो गया, अभी एक्सरसाइज होगी बढ़िया। अच्छा नंगे पांव फर्स्ट क्लास मजा आ रहा,
ठीक है ठीक है, हम भी जाते हैं, वहीं रख लो, हम भी जरा घूम घाम के आएंगे, क्योंकि रात को आपको पानी का जो स्रोत है वो दिखा नहीं पाए थे, तो वो स्रोत यहाँ नीचे है, तो कल रात हम वहाँ गए थे, मैंने बता रहा था ना उधर आगे जंगल है, तो ऐसा कुछ ये जंगल है, तो इसीलिए हमको डर भी लग रहा था। तो भाई साहब पानी लेके आ चुके हैं और हमारे पास अभी बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो पानी से ही काम चलाना पड़ेगा आगे। बाकी यहाँ की ओर भी मैं दिखाऊँ आपको, तो ये है खूबसूरत सा हरा भरा बुग्याल, और यहाँ का जो नाम है वो है उसंतोली मैदान, और बचपन हमारा यहीं पर बीता हुआ है, मतलब इसी रास्ते से हम कई बार चले गए हैं क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी के दरबार में। और अक्सर अगर आप लोग आते होंगे, आप में से कई लोग आए होंगे, तो आप आए होंगे दूसरे रास्ते से, कनक चौंडी वाले रास्ते से, जहाँ से कि सभी सरदार लोग लगभग आते हैं, ये हमारा लोकल रास्ता है यहाँ का। तो पहले तो इस रास्ते पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन अब लोग ज़्यादातर पीछे से आते हैं गाड़ी के रास्ते, वहाँ से जो पैदल है वो थोड़ा कम है, लगभग 3 किलोमीटर है। और हमारे गांव से क्रौंच पर्वत कार्तिक स्वामी के दरबार की जो दूरी है वो है लगभग 5 किलोमीटर, तो इसीलिए लोग नहीं आते हैं, कहीं दूर से आएंगे तो और वो दूरी बढ़ जाती है। पर चलो हम तो इसी रास्ते से आएंगे और हमेशा इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद आप लोगों को भी दिलाते रहेंगे। तो अभी हमारा जो टेंट है वो पूरा हमने पैक कर दिया है, और जो टेंट वाला बैग है ना वो हमको यहीं पर कहीं छिपाना पड़ेगा। और अंकि भाई हो गया होगा कम्बल का यूज़, तो अब कृपया उसको भी बंद करें। तो ठंडा तो अभी काफ़ी ज़्यादा मौसम है, पर चलो अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह चारों साइड से पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो अभी धूप लगने का इंतज़ार करेंगे या धूप लगने से पहले यहाँ से निकलेंगे वो सब हमारे ये और भाई लोग जानेंगे। और अभी जा रहा हूँ मैं नीचे जहाँ पर पानी का स्रोत है, तो कुछ पानी हमने जो यहाँ पर मवेशी थे भाई साहब लेके आए थे उनको पिला दिया है, तो बोतलें फिर से खाली हो रही हैं, तो कुछ अपने और भाई लेके आएंगे बोतल, और मैंने सोचा मैं भी जा रहा हूँ हाथ मुँह धोएंगे और साथ साथ में पानी भी भर के लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमको चढ़ाई चढ़नी है थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर के लिए। और क्रौंच पर्वत पर पानी मिले न मिले भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए अपने पास व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। तो अभी एकदम बढ़िया तरीके से हाथ मुंह भी धो लिए हैं, और जो स्रोत मैं आपको कल रात को दिखा रहा था, रात के अंधेरे में आपको सही से दिखा नहीं होगा, तो ये आप देख सकते हैं एकमात्र स्रोत है यहाँ पर पानी का, ये ऐसा कुछ है। तो यहाँ से हमने 2 बोतलें पानी की भर दी हैं, अपने भाई भी आए थे 2, उन्होंने भी अपने हाथ मुँह धो दिया है। अब फटाफट ऊपर वापसी चलते हैं, यहाँ से दिख भी नहीं रहा जहाँ पर हमने कैंप लगाया था। तो मैंने आपको बोला था जैसे कि जो हमारा टेंट वाला सामान है वो हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे, यहीं पर कहीं छिपा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूटा हुआ बड़ा सा पेड़ है, तो इसके नीचे मतलब काफ़ी बड़ा छेद टाइप का है, तो यहाँ पर छिपा दिया है। और क्या हुआ, दिख रहा है बल, तो इस साइड से रख दे, ओ पहनवानी से रख, हो गया। तो यहाँ पर हमने रखा है, वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई छेड़खानी करेगा, लेकिन फिर भी कई होते हैं उस बगरी जिसको हम गड़ाले में बोलते हैं, जो मतलब घर तो अपने लेके नहीं जाएंगे लेकिन बर्बाद जरूर सामान को कर सकते हैं। पर चलो थोड़ी ही दूरी पे हमने रखा है, अब जो होगा देखा जाएगा।
और संतोली मैदान में विराजमान है नाग देवता। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले नाग देवता जी की पूजा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जय हो नाग देवता। और नाग देवता जहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा बांस का पेड़ है। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी शाखाएं हैं इसकी, इधर उधर बड़ी हुई हैं। काफी बड़ा बांस का पेड़ है। तो चलिए फाइनली सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और कल रात हम जहाँ पर रुके हुए थे, तो यहाँ से वो पूरा मैदान देखने को मिल रहा है। तो ये है मैदान, और आधे मैदान में धूप लग गई है और आधे मैदान में अभी नहीं लगी है। और यहाँ से भी हमारा गांव थोड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो चलो, आज ऊपर भीड़ होगी तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए, नहीं तो आराम से आ सकते थे। हमारे जो गाँव वाले और भाई लोग हैं उनका इंतज़ार करना था, लेकिन भीड़ हो जाएगी तो कल हम यहाँ पर आ गए, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। सूरदास भाई की जय हो। सूरदास है तुम्हें ना, कौन है वो? देखो वहाँ तो पेड़ दिख रहे हैं। तो भाई साहब बोल रहे हैं सूरदास मुझे, ये चश्मे हैं अंकित भाई के, मतलब अंकित भाई को साफ साफ वो कर रहे हैं वो। अंकित भाई ने तो आँख सुधार किया, तूने क्या कर रखा? अगर आप कार्तिक स्वामी आते हो तो आपको पूरे रास्ते भर में ये चीज़ देखने को मिलेगी। पेड़ों पे आपको चुनरी, बिंदी, चूड़ी सब देखने को मिलेगी। तो कई लोगों का बीच में कमेंट आया था, मुझे याद आ रहा है कि ये ऐसे क्यों करते हैं। तो यहाँ पर वन देवियों को स्थान दिया गया है, और तो किसी की मन्नत रहती है तो वो वन देवियों से अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी पूरी हो जाती है, तब भी चुनरी बांधते हैं और जब मांगते हैं तब भी बांधते हैं। तो सब जो श्रृंगार एक महिला का होता है वही वन देवियों को चढ़ाया जाता है। जय कार्तिक स्वामी। तो चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं कार्तिक स्वामी के दरबार में, और जो मंदिर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, लेकिन अभी तक सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पर। तो फटाफट जल्दी से दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ के जो नज़ारे हैं वो दिखाएंगे।
तो अभी मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने के बाद अभी हम आए हैं मंदिर के ठीक पीछे जहाँ से जल कलश यात्रा होती है। लेकिन अभी जल कलश यात्रा में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जल लेने के लिए भी जो सरदार लोग जाते हैं वो अभी तक वहाँ पर नहीं गए हैं, वो जाएंगे शायद 10-11 बजे और अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं। तो आज हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए हैं, तो थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर नीचे जहाँ पर निवास स्थान है पंडित लोगों का, जहाँ पर धर्मशाला है वहाँ पर चलते हैं। दर्शन हमने कर लिए हैं, अब थोड़ा पेट पूजा की बारी भी है। बाकी जल कलश यात्रा देखने के लिए मैं फिर वहाँ से दोबारा आधा किलोमीटर चल के ऊपर आऊँगा। और यहाँ से सामने के जो नज़ारे हैं वो बेहद खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन आज नहीं देखने को मिल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध है। पूरी हिमालय श्रृंखला दिखती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन आज कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बस एक चीज़ देखने को मिली जो कि अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी मन्नतें लोग मांगते हैं। यहाँ ठीक है जहाँ तक सही है, लेकिन कुछ वहाँ नीचे है और उससे भी नीचे है, वहाँ देखने में मुझे डर लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, आप ये चीज़ें करने के लिए इतनी ज़िंदगी का रिस्क लेते हो जो कि सही नहीं है। तो चलो, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो अभी यहाँ से वापसी चलते हैं बाजी की मरड़ी जहाँ पर पंडित जी का निवास है, धर्मशाला है। तो काफ़ी दिनों से बारिश नहीं आई है, तो कार्तिक स्वामी धाम में यहाँ पर खच्चरों के द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए। तो मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं वापसी पहुंच चुका हूं धर्मशाला वाले स्थान पे। तो अपने एक भाई जी की यहाँ पर दुकान है, तो उनकी दुकान में मैं उनकी मदद कर रहा हूँ यहाँ पर समोसे ब्रेड पकौड़े और जलेबी बेचने में। तो यहाँ पर भाई साहब हैं, यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं और यहाँ के भाई, तो आज हम तीनों भाई यहाँ पर लगे हुए हैं दुकानदारी करने पे। तो चलो, वीडियो मैं कम बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, तो मतलब उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वीडियो तो हमारी वैसे भी बन रही है और फिर मुझे ऊपर भी जाना है अभी क्रौंच पर्वत पर कार्तिक स्वामी के दरबार में जल यात्रा देखने और आप लोगों को दिखाने के लिए। समोसे ब्रेड पकोड़े पकोड़े बिल्कुल ताजे ताजे, आ जाओ फटाफट लुट गया माल काली भाई, सस्ता तो अभी दुकानदारी करके थोड़ा बहुत थकान लग गई और भूख भी लग गई, तो अब भूख को दूर करने के लिए यहाँ पर देखो गांव से भाभी और नीतू भाई दीदी सब लोग पहुँचे हुए हैं, तो ये वहाँ से रोटी लेके आए हैं, तो अब इन्हीं रोटियों को खाते हैं और अपनी जो पेट पूजा है वो कर लेते हैं। अंकी भाई टूट पड़ा अंकी भाई तो मतलब उस टाइम से इंतजार कर रहा था कब आएगा नीतू भाई, कब आएगा नीतू भाई। तो एक बार फिर मैं जा रहा हूँ कार्तिक स्वामी के दरबार में जल यात्रा देखने के लिए, और सुबह तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, बिल्कुल लाइन पे जाना पड़ रहा है। तो जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था जल यात्रा का, तो नीचे पहाड़ी से आप देख सकते हैं जल यात्रा आ गई है। ये देखो ऐसी खतरनाक पहाड़ी से आती है कार्तिक स्वामी की जल कलश यात्रा।
तो अभी जो जल कलश यात्रा है वो मंदिर में पहुंच गई है और जो भी जल लाए थे वो बाबा कार्तिकेय को चढ़ा दिया है। बाकी अब यहाँ से मेरे निकलने की तैयारी हो चुकी है और मुझे मिले हैं यहाँ पर अपने आसो भाई। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम मस्त जी। और यहाँ पर एक और भाई जी हैं और हैप्पी जो कि जल कलश यात्रा में थे हैं। कभी हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी जरूर जाएंगे। आओ, आओ, आप आते ही नहीं हो, पहले आके आपने सुबह बताया नहीं। अरे ले जाते हैं। मेरे को नहीं पता था ना कि ऐसे जा सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा पहले बताना पड़ता है। अरे आ सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो घर चलो, घर आएंगे कल। ठीक है फिर, बोलना होती के बाद। हर हर महादेव, जय कार्तिक। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और फाइनली मैं कार्तिक स्वामी क्रॉन्च पर्वत से वापसी अपने गांव खमोली अपने घर पहुंच गया हूं। और अभी घर पे कोई भी नहीं है, माँ बापूजी सब जा रखे हैं नीचे, दादी लोगों के यहाँ पूजा है तो उसमें शामिल होने के लिए। फिलहाल मैं अभी हाथ मुंह धोता हूं और थोड़ा आराम कर लेता हूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई और काफ़ी ज़्यादा धूप थी आज भाई। तो अभी बाहर अंधेरा हो चुका है और मैं बैठा हूँ अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और जब मैं घर पहुँचा तो उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया और ऊपर तो हम सोए नहीं कल रात को, तो आज घर आके थोड़ा नींद भी आ गई है। और अभी मेरे साथ यहाँ पर है अपनी माँ। रोटी बना रही हूँ। तो माँ यहाँ पर हमारे लिए अपने हाथों की स्वादिष्ट सी रोटियाँ बना रही है। और यहाँ बाहर पे देखिए बापू जी ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। हेलो गाइस। और यहाँ पर अपनी भांजी एक प्यारे से चश्मे के साथ, उस पे कांच है ही नहीं ना काली वैसे ही है वो ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं बाहर पे आ गया हूँ क्योंकि ये रोटी जो हम खाएंगे वो बाहर पे ही खाएंगे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। बाय बाय, टाटा।